रोज देखता हूँ सिंह भाई की, बहुत अच्छे वीडियो आता है बाबा कमिंदर के, आपको देखना जरूर जरूर, लाइक करना सब्सक्राइब करना। की काली नाड़ी धाम की, गुरु निरंजन निराकार की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम बीकानेरी व्लॉग्स। आपको पता है कि मैं राजस्थान के सभी धार्मिक स्थलों के वीडियो इस चैनल पर बना रहता हूं, और अभी जो हमारी राजस्थान के धार्मिक स्थल है उनकी सीरीज चल रही है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कीजिए और अपने परिवार के साथ धार्मिक स्थलों का भ्रमण कीजिए घर बैठे बैठे। 2021 का जो भादवे का जो मेला है वो भरेगा या नहीं, और आज मैं यहाँ मंदिर प्रांगण से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे आप पीछे देख पा रहे हैं कि मैं अभी हूँ काली नाड़ी धाम, निरंजन बाबा भभूता सिद्ध काली नाड़ी धाम, यहाँ पर हम आए हैं। और पुजारी जी गोपाल सिंह सोलंकी जी से पूछेंगे कि यहाँ पर बाहर से आने वाले यात्री हैं उनके लिए क्या सुविधा है, रहने की क्या व्यवस्था है, अब की बार मेला भरेगा या ना भरेगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने लॉकडाउन में गोपाल सिंह जी यहाँ के पुजारी है उनसे हमने संवाद किया था, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। भादवा सुदी में मेला भरेगा या नहीं भरेगा, और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जागरण तो लगेंगे ही, जैसे ऑलरेडी हर साल लगते हैं, और जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पूरा पालन यहाँ पर किया जा रहा है, और उसी के साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्था है जो एकदम बिल्कुल उत्तम व्यवस्था है, और यात्रियों के लिए भी ठहरने की व्यवस्था है, दुकानें हैं जो यहाँ पर लगातार जो कंटिन्यू जो पिछले सालों से लगे रही पहले से वो कंटिन्यू दुकानें हैं, वहाँ पर भी बैरिकेड लगा रखे हैं, और व्यवस्था जो है वो पूरी है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पुजारी जी से कि आपको इस साल में क्या कुछ करना है, तो वो अपने बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जय दादा री। जय दादा री। तो 12 तारीख ने काली नाड़ी धाम पर जागरण है, ठीक, हर साल ही बहुती, पिछले साल भी लागो, और कोविड और ये करोना रा सब नियमों रा पालन करते हुए लारले साल भी चलायो, और इमें भी 12 तारीख रो दादा रा जागरण राखिड़ो काली नाड़ी धाम तीर्थ सठ है। और वैसे तो मतलब 12-13 का मेला जैसे पिछले साल उससे पहले जो मेला भरता था, तो अब कितने होना है क्या होना ये तो प्रभु जाने, बाकी ये तय है कि 12 तारीख की छठ भादवा की चौंदनी छठ का जागरण है काली नाड़ी, इसमें कोई फर्क नहीं। दूसरी बात कि जो भी यात्री देखो, यहाँ तो जंगल है, आप भी देख रहे हो, यहाँ हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, हम चाहे तो मीटर की क्षति से खड़ा कर सकते हैं, या कोई बाहर का डेरा आए तो वो अपना अलग जागरण लगा सकता है, ठीक, क्यों अपने पास जगह फुल है। तो अपों जी ये कोविड पूरी पालना करूँ, और गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन मिल सी बीरी भी पालना करोला, ये पालना रे तहत ही दादो और परमात्मा सभी यात्री गण आने वाली ठेस ना पहुँचे, बिल्कुल मोरी भावना दादा रे प्रति बनी रहे, और वे लोग दो दो साल हूँ यहाँ जान रहे हैं कि भी मैं एक बार झलक मिल जाए बबूता से नक्त बना गुरु चेलों री, तो इतनी लोगों में आस्था है, आपको ध्यान है कि यहाँ 8-10 स्टेट आती है, बिल्कुल, तो हम उनकी भावना को नहीं तोड़ सकते, और हम न कोई हमारे कहने से आते हैं न कोई टेलीफोन से आते हैं, वो उनकी आपकी खुद की श्रद्धा है, लाइन की है, बिल्कुल। तो हम देखो यहाँ के अध्यक्ष हैं, चाहे दादा के हम पड़पोतर हैं, हम 5-6 भाई हैं, हम 6 ही भाई यहाँ रहते हैं, और बाकी जो भी मंदिर संबंधित कमेटी संबंधित जो भी हमारे से होगा, तो हम हर इंसान की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो श्रद्धालु चला के चाहे यूपी बिहार राजस्थान पंजाब हरियाणा कहाँ से भी आए,
तो हमारे लिए वो आदरणीय है। और जो हमारे बबूता से भगवान के और नक्श बना के जो दरबार पर आते हैं तो वो हम इनका परिवार मानते हैं। तो पानी की आप देख लो कि हम टैंकरों से भी पूर्ति कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। तो हम टैंकरों से पानी आता है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर आपको पता नहर है, वहाँ से हम पौनी से वही बाबा करने वाला कमेटी ही करती है। और दूसरी जो भी मतलब यात्रियों के लिए रुकने की जगह खाने पीने की वो व्यवस्था हमने ऑलरेडी बना के रखी है। और बाकी जैसे परमात्मा का जैसे उनकी मर्जी जैसे होना है। बाकी 12 तारीख सितंबर चांदनी भादवा की छठ का कालीनाड़ी धाम पर विशाल जागरण व भंडारा है। और बाकी मेला है, प्रभु जाने उनका काम जाने। जिन लोगों की आस्था है वो लोग आ सकते हैं और दादा की धोख मार सकते हैं, कोई मना करने नहीं है। और सबको नियम का पालन करना होगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन सबको करना होगा। यात्री कहीं से भी आए और मेरे वीडियो पर सारा ध्यान दें कि अप हर इंसान की सेवा करता रहे तो मुश्किल आती ही नहीं। तो सभी यात्री आने वाला मेले में बाहू हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शांति पूर्वक रहे, आराम से रहे। कालीनाड़ी आपकी है, सब लोगों की है, हालांकि कोई सोलंकी परिवार की नहीं है, जगत इनका परिवार है। तो सभी यात्रियों आने वालों हमारी आई रिक्वेस्ट है कि आपको मेलो है और आप ही चलाने वाला हो और गवर्नमेंट री गाइडलाइन नो कोविड रो पालन करोला, आप सब लोग पालन करोला। तो बाकी पानी की जैसी व्यवस्था है या लाइन की कोई व्यवस्था है तो उसमें हमारा कार्यकर्ता संभाल लेंगे, और हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ी तो हम प्रशासन भी बुला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बुधर जी। तो दर्शकों, आपको पूरे जो आपके सवाल थे उनके उत्तर आपको मिल चुके होंगे, जितनी क्वारी थी आपकी आपने बिल्कुल सुन लिया होगा। तो कहने का मतलब है कि आप आइए और जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पूरा ख्याल रखिए और आपके लिए यहाँ पर वेलकम है और दर्शन कीजिए। आपकी श्रद्धा है उसके साथ कोई ठोस नहीं पहुँचाएगी, तो आप आ सकते हैं। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है 2 सालों में। यहाँ पर आपने देखा कि बाहर मैंने जो व्यू भी बताए थे वो भी काफ़ी पूरा चेंज हो चुका है। मंदिर का जो प्रांगण है और जो खुला है बिल्कुल ही, और वहाँ बैरिकेड वगैरह सब लगा रखे हैं और धूप के लिए यहाँ पर टीन शेड भी लगाए गए हैं। रहने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और यहाँ पर दुकानें भी हैं। तो आप ऐसा मत लीजिए कि भी यहाँ पर मेला नहीं लगेगा तो भंडारे नहीं लगे, तो रहने की व्यवस्था वो उसमें सब उत्तम व्यवस्था है। तो इसी के साथ हम इस बात को यहीं एंड करते हैं। और अब बढ़िया लगा जी, बिल्कुल मतलब सुकून है। हाँ, और मतलब अभी जो पिछले साल से अभी काफ़ी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है और मंदिर के मतलब प्रांगण में और सुधार की गई है। तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा जी, बढ़िया लगा। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है? संजय। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनसे मिलकर। इनका कहना है कि काफ़ी मन को सुकून मिला यहाँ। हाँ, जय हो बबूता सिद्धा देरी माता की। चैनल लाइक करो और शेयर करो काली लाड़ी के धाम से। धन्यवाद है भाई जी को, बहुत भाई जी का नाम होएगा, मेरा भी संग में होएगा।